देखा ये हमारा पहला प्रोग्राम बा, पहली बार यश जाम पे हम आयल बानी, लेकिन साथे साथ चुनाव बा। कार्यक्रम तो सांस्कृतिक बा, लेकिन यहाँ सब लोग देखा पॉलिटिकल लोग यहाँ जुटल बा, चुनाव के माहौल बा, तो थोड़ा बात तो चुनाव का भी तो हो ही ना जाएगा, तो उसके देखते हम ज्यादा कुछ हम ना कहें। रवा लोग होशियार बाड़ा, बुझे तरह की क्या करे के बाद बुझे तरह की ना। बिहार में तो हम जब बोलते थे चुपचाप, तो लोग बोलता था लालटेन छा, यहाँ बोलेंगे तो जोड़ा फूल छा। तो ज्यादा कुछ कहे के देखे, चुपे चाप अपन काम करे के बाद। आप लोग काम तो बिहार में कर ही दिए थे, एनडीए का सफाया हो गया, काम तमाम हो गया था। अरे जो रिजल्ट आया, जनता ने जनादेश दिया, आज चुनाव आयोग ने नतीजा सुनाया। अंतर बात, जीत तो आपकी हो ही गई थी, वो तो जान ही रहे हैं। आजकल तो सब कुछ जो है तारा सा रवैया अपनाया जा रहा है, बेईमानी से 10-15 गो सीट को 12 वोट से हरा दिया, को 50 वोट से हरा दिया, को 100 वोट से हरा दिया। तो इस तरह से हम लोगों को रोकने का काम किया गया। अब देखिए हम नौजवान हैं, आप लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए हम आभारी हैं। भले ही आज हम लोग साजिश के चलते सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जो जिम्मेदारी और जिस मुद्दे के साथ हम चुनाव में आप लोगों के बीच गए थे, क्या हमारा मुद्दा था? बेरोजगारी हटाने का। बेरोजगारी सबसे बड़ा हमनी के दुश्मन बा, और बेरोजगारी को खत्म करना है। हम कौन मुद्दा के साथ गिल रहे, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कड़वाई और सुनवाई वाली सरकार देवे के। असली मुद्दा है यही, लेकिन कुछ लोग झंझट पैदा करने वाला पार्टी है, जो देश को तोड़ने का काम करता है, जो संविधान को खत्म करने का काम करता है। इन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना है। याद बाकी ना, जब थोड़ा मोड़ा पेट्रोल के दाम पहले बढ़ता था तो बीजेपी वाला क्या करता था? बीजेपी वाला कहता था कि महंगाई डाइन है। अब जब पेट्रोल 100 के ऊपर चल गया तो इधर के महंगाई भौजाई लोग, क्या गाना गाता था ये लोग, याद है कि नहीं? महंगाई डाइन लाई, हाँ भौजाई है। बता 100 के ऊपर गया कि नहीं गया? दो दिन पहले प्याज का दाम ऊपर चला गया 100 के ऊपर। तो ये सब मोबाइल पे आजकल तो सब लोग मोबाइल पे ना, सब व्हाट्सएप पे चलाता है। देखो वीडियो आया था, हम भी इसमें एक्टिव रहते हैं, अब पार्टी को भी इसमें बड़ा आगे कर दिए, सब देखते हो गए फेसबुक वगैरह में। महंगाई इतना हो गया था प्याज का, इतना प्याज खरीदने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्याज खाना था तो प्याजवा के टांगे हुए था। दहल तरकारी सान रहा है, चावल मिस रहा है, एक कौर ले रहा है प्याजवा जो टंगले ओकरा के सूंघ रहा है, ताकि उसको एहसास हो जाए कि प्याज का स्वाद है। अब आप बताइए ये स्थिति है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? डीजल का दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हर चीज महंगा हुआ है कि नहीं हुआ है? बेरोजगारी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? खाना वगैरह सब चौपट कर दिए मोदी जी, अर्थव्यवस्था सब चौपट कर दिए, जीडीपी चौपट कर दिए, किए कि नहीं किए? देखिए हम लोग भले ही अभी विपक्ष में हैं, लेकिन आपकी लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ बॉबी हकीम जी का क्षेत्र है, ये हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और दीदी ममता जी आदरणीय लालू जी को बहुत मानती हैं, मान सम्मान हमेशा समय समय पे देती रही। दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, लगातार ममता दीदी
लालू जी के साथ खड़ी रही है, कंधे से कंधे मिलाकर के। हम देखिए लालू जी का संदेश लेके आए हैं सभी यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को। उनका यही संदेश है कि आप सब लोग को एकजुट होना है। एकजुट रहिएगा कि नहीं रहिएगा? तो एकजुट रह करके हम लोगों ने पूरा समर्थन जो है टीएमसी को, ममता दीदी को हाथ को मजबूत करने में लगाने का काम किया। और हमारी जहां जरूरत होगी वहां हम दीदी के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आप सब लोग जो खास तौर पे छपरा प्रमंडल के लोग यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, इस तरह के नहीं सब प्रमंडल के लोग, कोनो छपरा, सिवान, गोपालगंज, उधर का ज्यादातर लोग छपरा के लोग हैं, सब लोग अपन लोग एकजुट रहिए, आप लोग काम कीजिए। और यहाँ देखिए सब ज्यादातर जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए, छपरा के सब लगभग सब विधायक लोग आए हुए। हम सब विधायक जी को भी कहेंगे क्षेत्र में ध्यान दीजिए, लेकिन जो क्षेत्र के बाहर जो हमारे भाई लोग रहते हैं उनको पे ध्यान रखने के जरूरत है, जरूरी है। इसलिए आप लोग सब लोग देखे होंगे लॉकडाउन के समय में किस तरीके से जो है नीतीश कुमार जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने भेदभाव करने का काम किया, दरवाजा आप लोगों का घर का ही बंद कर दिया। हम लोग आवाज उठाए तब जाकर के रास्ता जो है वो खुला, लेकिन उसके बाद भी लोग चिट्ठी निकाला कि भाई जो मजदूर लोग आएगा तो गुंडागर्दी करेगा। तो ये देखिए लोगों के मन में क्या है। तो हम ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ममता जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, बॉबी जी को धन्यवाद देंगे, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देंगे कि इन लोग के सरकार में आने के बाद 2 दिन का छठ का छुट्टी जो है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए पूरे बंगाल में देने का काम किया 2 दिन का। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ आगे का भी कार्यक्रम आप लोगों का चलना है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि लड़ाई जो है आप लोगों की, जो लड़ाई है गरीबी की, महंगाई की, बेरोजगारी की, अच्छी शिक्षा की, अच्छे चिकित्सा की, पलायन रोकने की, हम लोगों का जो कोशिश होगा, जो बल होगा आप लोग के लिए, हम लोग विधानसभा में लड़ते रहे। लेकिन अभी सुरेंद्र राम जी कह रहे थे कि किस प्रकार से आज तक बिहार विधानसभा के अंदर, आज तक बिहार विधानसभा के अंदर पुलिस नहीं आ सकती थी, नीतीश कुमार जी और बीजेपी की वहां सरकार ने किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स को, पूरे पुलिस सिस्टम को वहां भुगाना करके सदन के अंदर लात घूसों से आपके जनप्रतिनिधि जो एमएलए को 3 लाख वोटर चुन करके भेजने का काम करता है उसको जूता से पिटवाने का नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों ने काम किया है, ये आप लोगों ने देखने का काम किया। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ लोग आएगा बोलेगा कि डबल इंजन का सरकार बनाइए, बिहारों में तो बात डबल इंजन की सरकार कैसन चलता ना देखत रहो, एगो इंजन अपराध में, एगो इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ। बताओ डबल इंजन का क्या फायदा? लालू जी रेल मंत्री थे, छपरा में मढ़ौरा में कारखाना दे ले कि ना दे ले? मढ़ौरा में कारखाना, हर बजट में किराया कम किए, आपको गरीब रथ ट्रेन चलवाए, सारा काम हुआ, 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलवाए। आप बताओ पटना यूनिवर्सिटियों के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जा नहीं दे सकते डबल इंजन की सरकार, तो बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा कहां से देंगे? जाओ मांगिए। ये बिहारियों को ठगने का काम किया है मोदी जी ने, भाजपा के लोगों ने। चुनाव में कहते हैं कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे, कितना लोगे? 70,000 करोड़ लोगों की 90,000 करोड़ दोगे, लो 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हमने दिया, कहां गया? कुछ मिला? चुनाव में बोलेंगे 15-15 लाख रुपए हर एक के खाता में मिलेगा, 6-7 साल हो गए। अरे मोदी जी 15 लाख छोड़ा, 5,000 की बोनी ना करा दो,
लोग इंतजार में रहेगा, चलो 5,000 आ गई, आगे आत रही, लेकिन कुछ हुआ कुछ मिला। इतना महंगाई, इतना खर्चा, आप लोगों के माता पिता यहाँ नौजवान भाई लोग, तहर लोग के बाबू जी लोग पेट अपन काट के ना पढ़ेले लिखेले कि बेटा पढ़ी लिखी डिग्री मिल जाए तो कहीं नौकरी लग जाए। हाँ, रेलवे को बेच दिया लो, जहाँ जहाँ सरकारी नौकरी मिलना था वो सब संस्थाएं के बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बचा कुछ हो और इंडिया सब बेच दिया, कुछ नहीं बचा। इसलिए आप सब लोग यहाँ ममता जी लड़ रही है तो CBI, ED, इनकम टैक्स, बिहार में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए भाजपा वाला लोग अगर डराता है तो लालूए जी से डरा ला। साजिश के चलते जेल में है, अभी एम्स अस्पताल में लालू जी है, तबियत ठीक नहीं है, किडनी के भारी समस्या हो गया है, वहाँ इलाज चल रहा है, सांस लेने में दिक्कत था, किडनी मात्र 25% काम कर रहा है, पहले से हार्ट पेशेंट रहे हैं, इतना साजिश करके